किस रीजन में कंडेंस्ड होते हैं राइट तो अगर हम यहाँ पे बात करें हिट्रोक्रोमैटिन की तो हिट्रोक्रोमैटिन जो है ये हमारे टाइटली पैक्ड फॉर्म होती है डीएनए की राइट और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डायग्राम भी लिया है एंड दीज आर हेयर द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन राइट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन को हम सेंट भी कहते हैं तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट से जो दिया गया है वन, इज़ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन में जो हमारे डीएनए हैं ये पैक्ड फॉर्म में ही प्रेजेंट होते हैं मींस हिट्रोक्रोमैटिंग जो है वो हमारे यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे ओके देखेंगे सेकेंड ऑप्शन जो हमें यहाँ पे दिया गया है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सही दिया गया है राइट right? बिकॉज जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन टू है यहाँ पे भी जो हमारा हिट्रोक्रोमाटिन है ये कंडेंस्ड होता है ओके देखेंगे थर्ड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हमें दिया गया है बोथ एव तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन थर्ड बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ द कॉन्स्ट्रिक्शन जहाँ पे जो हमारे हिट्रोक्रोमार्टिन है ये कंडेंस होते हैं लास्ट ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे टीलोमेयर तो ये जो हमारा ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत होता है बिकॉज टीलोमेयर जो हैं वो हमारे एंड होते हैं क्रोमोसोम के और बेसिकली इसका मेजर फंक्शन जो है वो भी यही होता है ये प्रोटेक्ट करते हैं एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम राइट To 12 से लेकर नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा होता आज डाउनलोड करें डाउट ने या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर